नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी नाटकों की सीरीज कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने 4 नाटकों के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम उपेंद्रनाथ अश्क की नाटक अंजो दीदी करेंगे, जो 1955 की है। साथ ही अंजो दीदी नाटक के पात्र, मुख्य बिंदु, इस कहानी के सार, साथ ही महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। और उपेंद्रनाथ अश्क की जितनी भी प्रकाशित प्रमुख रचनाएं हैं, उनको भी हम साथ में आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपेंद्रनाथ अश्क का जो जीवन काल है, 1910 से 1996 है। उपेंद्रनाथ अश्क की जो प्रकाशित प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं, जिसमें उपन्यास है, जिसमें गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि। कहानी संग्रह है इनके 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा आदि। नाटक है इनका लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, अलग अलग रास्ते आदि। एकांगी संग्रह, इन्होंने जो अपनी एकांगी लिखी हुई है, उनको निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया हुआ है, जिसमें सामाजिक व्यंग, प्रतीकात्मक तथा संकेतिक तथा प्रहसन तथा मनोवैज्ञानिक के ऊपर इन्होंने एकांकियां लिखी हैं। जिसमें सबसे पहले हम सामाजिक व्यंग के ऊपर जो इन्होंने एकांकी लिखी है, उनको देख लेते हैं, जिसमें लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, पापी, मोहब्बत, विवाह के दिन, जोंक, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, क्रॉसवर्ड, पहेली आदि। ये सामाजिक व्यंग के ऊपर लिखी गई एकांकी है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, पूछी जाती हैं एग्जाम में। उसके बाद प्रतीकात्मक तथा संकेतिक इनकी जो एकांकी है, जिसमें अंधी गली, चरवाहे, चुंबक, चिलमन, मेमुना, देवताओं की छाया में, चमत्कार, सूखी डाली, खिड़की आदि। ये प्रतीकात्मक तथा संकेतिक एकांकी है इनकी। उसके बाद प्रहसन तथा मनोवैज्ञानिक एकांकी है, जिनमें मुखड़ा, बदल गया, अंजो दीदी, आदि मार्ग, भंवर, तूफान से पहले, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सयाना मालिक, जीवन साथी, साहेब को जुखाम है आदि। तो ये इनके एकांकी संग्रह है, जिनको इन्होंने निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है, जो मैंने यहाँ लगा दिया है, देखिएगा, इनको काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है जो इनके काव्य, जिसमें एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी आदि। उसके बाद इनके जो संस्मरण हैं, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, आलोचना इनकी हैं, अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अतरंग परिचय, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। उसके बाद अब हम अंजो नाटक को पढ़ेंगे, जिसमें जो अंजो नाटक है 1955 की है, और ये नाटक 2 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। तो इनके जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। पात्र जो पहले अंक में हैं, जिसमें अंजलि, जिसको अंजो कहते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा नाटक है, इंद्र नारायण जो वकील है, अंजो का पति है, अनिमा जिसको अन्नो कहते हैं, मुन्नी जो नौकरानी है, श्रीपत अंजलि का भाई है, राधु नौकर है, नीरज उम्र में 11 वर्ष का है और अंजलि का बेटा है। ये प्रथम एकांकी के पात्र हैं। उसके बाद दूसरे अंक में जो पात्र हैं वो हैं ओमी, जो नीरज की पत्नी है, अन्नो नीरज की मौसी है, नजीर नीरज का दोस्त है, श्रीपद नीरज का मामा है, मुन्नी। उसके बाद चपरासी इंद्र नारायण नीरज, जो 31 वर्ष है उम्र में, नीलम नीरज का पुत्र है जो 11 वर्ष का है। तो पहले और दूसरे अंक में ये पात्र हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम करें, इससे पहले जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ही फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे हम इस अंजो नाटक के सार को संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये 3-4 लाइनों में, जिसमें आपको पूरे नाटक पता चल जाएगा, जिसमें अंजो दीदी की चाह है कि जीवन अनुशासित रहे, जिसके लिए वो हमेशा दृढ़ रहती है। उसके इस स्वभाव के कारण संपूर्ण परिवार का जीवन दुर्भर हो जाता है, उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नाटक में ये बातें अंजो दीदी को उसके नाना जी से मिलती है। इसमें अंजलि एक समस्यामूलक माँ है, ना तो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से जीने देती है, ना ही अपने पति को।
तो ये अंजो दीदी जो नाटक है उसका सार मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में लगा दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अश्क जी के विचारों में इस नाटक में कि अह की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है जो अपनी मनोवृत्ति को दूसरे पर जबरदस्ती थोपती है, जो कि ना ही खुद उन्नति करती है, दूसरे के मार्ग में पत्थर का रूप लेती है। तो ये अश्क जी कहते हैं। आगे इस नाटक के जो मुख्य बिंदु हैं उनको मैंने लगाया है, जो एग्जाम में ज्यादातर इस तरह से प्रश्न बना के पूछा जाता है। इस अंजो दीदी नाटक के जो मुख्य बिंदु हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है, अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्परिणाम है इस नाटक में, अभिजाति और अनुशासन प्रिय स्त्री का चित्रण किया गया है, जीवन को यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है इस नाटक में, ये चौथा जो पॉइंट है ये देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या है, अस्तित्ववाद की झलक है इस नाटक में, नायिका प्रधान नाटक है, व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता है, उस पर कार्य थोपे जाते हैं, उसका दुष्परिणाम दिखाया गया है इस अंजो दीदी नाटक में। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको मैंने लगाया हुआ है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम अंजो दीदी नाटक के जो प्रथम अंक और द्वितीय अंक में जो महत्वपूर्ण कथन बनते हैं उनको मैंने लगाया हुआ है। जो पहला जो कथन है वह है अनिमा के संदर्भ में। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है, उसके बनाव श्रृंगार और पहनावे से पूरी बेपरवाही टपकती है, यह अनिमा के संदर्भ में कथन है। इस घर के कण कण को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं, अंजलि का कथन है। आगे है, जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है, गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी, अंजलि का कथन है। आगे है, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, अंजलि का कथन है अनिमा से। बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए, अंजलि का कथन है अनिमा से। आगे है, सुघड़ापा पर स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, अंजलि का अनिमा से ये कथन है। आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अंधेर दिमागों की उपज है, श्रीपत अनिमा से कहता है। आगे है, भिन्नता जीवन का रस है, श्रीपत इंद्र नारायण से कहता है। शिष्टाचार शादी का यह कह लो कि बंधन का प्रतीक है, उधर आपकी शादी हुई इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा, श्रीपत का कथन है अनिमा से। आगे है, अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं, अनिमा का कथन है। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है, अंजलि का कथन है। तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए, श्रीपत का कथन है। शिष्टाचार सौदा का यूं कह लो बंधन का प्रतीक है, श्रीपत का कथन है। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी व्यवहार सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अंधेरे दिमाग की उपज है, इसीलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता, श्रीपत का कथन है। आगे है, यह दस्तूरे जुबां बंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी, इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, कसम भगवान की मशीन के पुर्जे, श्रीपत का कथन है। आगे है, दूसरे अंक में जो महत्वपूर्ण कथन बनते हैं, मंदिर में जैसे पूजा का समय बांधा होता है, पुजारी चूक जाए तो दिन भर उसके मन में खटक रहती है कि उससे अपराध बन आया है, इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर ना आया तो भारी अपराध हो जाएगा, ओमी का कथन है। यूरोप की सैर का शौक था, जमींदार खत्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं, श्रीपत का कथन है। बहिया में जिंदगी की बहे जा रहे हम, बूढ़ने की बात दूर है रुकने का बस नहीं, श्रीपत का कथन है। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी, अनिमा का कथन है।
क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरोगे? वह दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखाकर चल देते हैं और कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। श्रीपद का कथन है। आगे है, कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबी कान मिले, नीलम ये गाती है। आगे है, एक कमिश्नर और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है पर कानून की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। श्रीपद का कथन है। गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोवोगे तो गधे ही बन जाओगे, नीरज का कथन है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, इंद्र का कथन है। आगे, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वो दिन दुनिया के लिए सब बड़े खतरे का दिन होगा, इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है, श्रीपद का, इंद्र नारायण से ये कथन है। मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटे से बचाए रखूं, यह कैसे संभव है, नीरज ओमी से कहता है। अंजू दीदी की सनक, उनके जुल्म, उसके तिलस्मी को तोड़ना जरूरी है ताकि इस घर के लोग अपना अपना जीवन जिए, श्रीपद का कथन है। जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले अंजू, इंद्र का कथन है। तो चलिए, ये तो खत्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर अंजू दीदी नाटक के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।